ये है सनी, राजू का छोटा भाई, जो चॉकलेट खाने का बहुत शौकीन है। और ये है राजू, इसे गेम खेलने का बहुत शौक है। अगर इसको गेम के दौरान कुछ छेड़े तो इसे बहुत गुस्सा आता है। भाई मुझे पैसे दो, मैं चॉकलेट खानी है। अबे देख लो, मैं गेम खेल रहा हूँ, बड़ा आया चॉकलेट खाने वाला। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो, मैं चॉकलेट खानी है। यार तूने मेरी सारी गेम खराब कर दी है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, भागो यहाँ से। मैं यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तू ना जाए यहाँ से, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब मैं क्या करूं, भैया ने तो पैसे नहीं दिए। चाहे कुछ भी हो, मैं चॉकलेट खा के रहूंगा। और अब ये सोच रहा है कि मैं चॉकलेट कैसे खाऊं, लेकिन इसे क्या मालूम इसके साथ आज बहुत बुरा होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं आगे इसके साथ क्या होता है। आका जी, मैंने आपको जितने भी शिकार ला के दिए हैं, आपने उसमें से मेरा हिस्सा नहीं दिया। आका जी ये बड़ी जाति की बात है। नहीं नहीं आका जी, मैं धमकी नहीं लगा रहा हूँ, बस आपसे ना थोड़ी सी अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा भी ख्याल रखें। आका जी बस ठीक है, जैसा आप कहेंगे ना मैं वैसे ही करूँगा। आका जी टेंशन ना लें, इस इलाके में शिकार ही शिकार है, आप जितने कहेंगे इतने शिकार ला के दूंगा। ठीक है आका जी, अब जरा कॉल बंद करें, मेरा जरा बैलेंस खत्म होने वाला है। बड़ी मेहरबानी जी। बड़ा आया आका बना फिरता है, मैंने इसको जितने भी शिकार ला दिए इसने मुझे अभी तक हिस्सा ही नहीं दिया। अब जितने भी शिकार आए ना मैं सब अपने पास रखूंगा, मैं आका को कोई शिकार अपना नहीं दूंगा, इस इलाके का शक्तिशाली मैं बनूंगा। ये तो एक शिकार आ भी गया। अबे मैये, और ये तो मेरे खंडर की तरफ ही जा रहा है। चलो और काम आसान हो गया मेरा तो। अबे वाह, ये लड़का तो सीधा खंडर की तरफ ही आ रहा है। ये ना कहाँ आ गया। अबे तू बिल्कुल सही जगह पे आ गया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम मेरे वाकई दोस्त हो? हाँ मैं वाकई ही तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, तुमने कोई चीज खानी है? हाँ हाँ वाकई मुझे भूख लगी है, मैंने चॉकलेट खानी है। अबे लड़के बस इतनी सी बात, ये लो चॉकलेट खाओ और एंजॉय करो। ये क्या, ये तो मुझे चक्कर आ रहा है। अबे आजा मेरे शार। मैंने एक तो शिकार कर लिया है, अब मैं मजीद कोई शिकार ढूंढता हूँ और उसको भी यहाँ ला के कैद कर दूंगा। छोटू राजा, आज मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा छोटा भाई सुबह से घर से निकला है, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया। अब तो शाम भी होने वाली है। क्या बात कर रहे हो, तुमने उसे डांटा तो नहीं है? नहीं यार, वो सुबह चॉकलेट खाने की जिद कर रहा था, बस उसी बात से मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया। ये तेरी बहुत बड़ी गलती है जो तुमने उसे डांटा है, इसी वजह से वो घर से चला गया है। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूँ? करना क्या, उसे ढूंढो। मुझे तेरा छोटा भाई कहीं मिला मैं तुझे बता दूंगा, या तेरे घर छोड़ आऊंगा। अच्छा दो यार, अब मैं चलता हूँ। यार उसे मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे पानी दो, मैंने पानी लेना है। ये मेरे दोस्त का छोटा भाई है, पर रस्सी में इसको किसने बांधा है? मैं इसकी रस्सी खोलता हूँ और इसके भाई को तलाक करता हूँ। इधर आओ। अबे तुम कौन हो मोटू और यहाँ क्या करने आए हो?
मैं तो यहाँ कुछ नहीं लेने आया, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मैं उसको लेने आया हूँ। अबे तू क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको तू लेने आया है, ये मेरा शिकार है और तू यहाँ क्या करने आया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे इस बात की सजा दूंगा। यार मैं ऐसे नहीं लेके जाता, मुझे छोड़ना, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरे लिए खतरा बन गया, तू बाहर जाएगा और लोगों को बताएगा, वो तो मुझे पकड़ के मारेंगे। मैं इस तरह करता हूँ कि तेरा कोई बंदोबस्त करता हूँ। चल मेरे साथ, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। बच्चू अब तुझे पता चलेगा कि खंडर में आने की सजा क्या होती है, चल मेरे साथ। बड़ा आया बच्चे को बचाने वाला, अब मैं तुम्हें उस जगह पे पहुंचाऊंगा जहाँ से तू हमेशा के लिए बाहर नहीं निकल सकेगा। आज मैं तुझे इस जमीन के अंदर जिंदा ही गाड़ दूंगा। अब बता छोटू राजा, तू अपने आप को बड़ा महान समझता था कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, अब तुझे मजा आया, अब तू यहीं दबा रहेगा इसी जमीन के नीचे, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कोई और शिकार ढूंढता हूँ, ये तो बहुत बड़ा शिकार है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। हैं ये क्या, छोटू राजा को जमीन में किसने दबा दिया? हाय हाय मत निकालो मुझे, हाय 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 हाय। चलो चलो शुक्र है यार तू टाइम पे आ गया और तूने मेरी जान बचा ली। यार तू रो क्यों रहा था, उते जमीन में किसने गाड़ दिया? यार मुझे जमीन में शैतान ने गाड़ दिया था और तेरा भी भाई शैतान का कब्जे में है। ये तू क्या कह रहा है? मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें तुम्हारा भाई दिखाता हूँ, चलो। और रुका मेरी बात सुनो। अब क्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाएगा, मुझे मेरा भाई दिखा। अगर दोबारा शैतान ने मुझे पकड़ लिया अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यार कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मेरे साथ चलो। भाई ये रहा तेरा भाई। क्या भैया तुम आ गए? हाँ हाँ मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी खोता हूँ रस्सी। ये मेरी गुफा में कौन घुस आया है, इसने मौत को दवा दे दी है। रुको मैं पहले अपने भाई की रस्सी खोलूं, फिर से निपट लेते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो तुझे मेरे साथ सलूक किया मैं भी तेरे साथ ऐसे सलूक करूंगा। हाँ हाँ दोस्त तुम ठीक कह रहे हो, उसने मेरे भाई को पकड़ा था, ये माफी का हकदार नहीं है। हाँ हाँ दोस्त तुम ठीक कह रहे हो, इसको हम अपने साथ ले चलते हैं। चलो 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 चलो। यार ठहरो मेरी जरा बात सुनो। अब हम तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, अपने साथ ही लेकर जाएंगे। चल इसको इधर ही लटका दो और इसको ऊपर मिट्टी डाल दो। यार छोड़ दो। चलो इसलिए ये सजा काफी है, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो यार बहुत तो अपने अंजाम को पहुंच गया, चलो हम अगला मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों आज हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।